से आपका स्वागत है चैनल चौबारी वार मुसम्मी पर। मेरा नाम है पम्मी और आते ही मेरे हेडफोन की बैटरी डाउन हो चुकी है। सबसे पहले इसको डालो यहाँ पे, लेट्स गो। और वन सेकंड गाइस, ये प्याज की बोरी नहीं है, ये यहाँ पर लगी बैठा हुआ है। क्या खींच रहे हो भाई, टफो वीडियो के अंदर से। बट एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पानी बोल देना तो। हाँ ये ले, बड़े बंदे वीडियो के अंदर बोलेगा मेरे को हमेशा। ओके आज का फंडा आपकी है। क्या है यार ये, इसको ये ले। तो गाइस हमने ना बोतल के ऊपर निशानी रखी हुई है, तो जिस बोतल के ऊपर लेबल लगा हुआ है वो मेरी है। अब ये मेरी है ठीक है, और जिस बोतल के ऊपर लेबल नहीं है वो लॉगी की है। ये ले पकड़। बड़ा नहीं इसका, इसका फंडा एकदम सिंपल है। मैं आज ऑनलाइन की दुनिया के ऊपर बैठ के ना वीडियो बनाने वाला था खतरनाक लेवल की, और मैंने अभी देखा कि नॉट योर टाइप की फ्रेश वीडियो आ चुकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वाली वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया जाए, जो कि ऑब्वियसली फ्रेश नहीं है, 3 दिन पुरानी हो चुकी है। उसके बाद गाइस मैं YouTube ब्राउज कर रहा था, तो मेरे सामने ये वाली खतरनाक वाली वीडियो आ चुकी है, द डार्क साइड ऑफ व्हाई हीरो पॉइंट एसएमपी गॉट क्लोज्ड। भाई मैं ये वीडियो देख के भाई मेरे अंदर का कंटेंट जाग गया। मैंने ठान ली कि भाई अगर ये कंटेंट नहीं है तो भाई कुछ भी कंटेंट नहीं है। भाई मैंने सोच लिया था कि इसके ऊपर फटाफट जाके मेरे को वीडियो बनानी है, लेकिन स्मार्टी दो कदम आगे निकला, उन्होंने पहले ही वीडियो डाल दी यार। एंड वन सेकंड गाइस, इतना फंडा सिंपल है, मैं चाहता हूं कि स्मार्टी की वीडियो 2-3 दिन पुरानी हो जाए, फिर उसके बाद जाके हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं एक बार फिर से नॉट यू का फनी कंटेंट। आगे बढ़ने से पहले एक सब्सक्राइब एंड नीचे जाके फटाफट से सभी लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है। मम्मी सब्जी तो लेनी थी, आपको आना जरूरी था। हाँ बेटा, क्योंकि तुझे पता भी है तू पूरे 20 रुपए में कितनी कम सब्जियां लेके आया है। बस ये आलू, प्याज, बंद गोभी, खुली गोभी, मूली, गाजर, कद्दू, दद्दू, कितनी कम सब्जी आई है। बहन जी आलू कितने के दिए? वो बेचने के लेनी है। अरे अरे, और ये टमाटर? वो टमाटर नहीं है, वैसे 10 रुपए किलो। मेरे को लगा था कि ये परेशानी सिर्फ मेरी मम्मी के अंदर ही है, लेकिन नहीं, एक्चुअली सारी मम्मी ऐसी होती हैं। फॉर सम रीजन मेरी मम्मी को लगता है कि 20 रुपए में पूरी दुनिया खरीद सकती हैं। वो जब भी मैं सुपरमार्केट जाता हूँ और 20 रुपए की इतनी छोटी सी थैली लेके आता हूँ, तो वो मेरे को इतना डांटती है कि मैं क्या ही बताऊँ। उनको लगता है कि इतनी बड़ी थैली सिर्फ 50 पैसे में आ जाएगी। कौन बजट बना रहा है इन मम्मियों का, पहले मेरे को ये बताओ। वैसे 10 रुपए किलो? अरे नहीं नहीं, बड़े महंगे लगाए, बगल वाला तो 5 में दे रहा है। आप ये टमाटर छोड़ो, मुझे लाल पिछवाड़े दे दो, बड़े रसीले लग रहे हैं। बेटा तुझे सब्जी खरीदते नहीं आती है, पूरे 8 रुपए का नुकसान करके आया है तू। Okay. 8 रुपए में कौन सा अमीर हो जाएगा। वो क्या, कल ही मैंने 8 रुपए कमा कर अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई करी, जिससे मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गया हूँ। सर वो आपकी बीमारियों की लिस्ट है। क्या मतलब? ये एड्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बेवकूफ। सर वो एड्स नहीं, गेट्स है, बिल गेट्स। सर हाल ही में आपने एक पिक्चर भी डायरेक्ट करी है, उसका भी ट्रेलर आया है इस शनिवार। रुक जाओ लगड़े आम। मैं इसकी पूरी शान लूट लूंगा। बॉस थोड़ी शान मुझे भी उधार मिल जाएगी क्या? वो माँ का थोड़ा इलाज करवाना था। अबे तुझे पता भी है शान क्या होती है? हाँ सुना है, काफी कीमती होती है। नहीं अबे बेवकूफ, कीमती नहीं, बहुत कीमती होती है। इसमें तेरी माँ का क्या, हम तीनों की माँ का इलाज हो जाएगा। पर बॉस मेरी माँ तो साली पहले से ही ठीक है, अभी साली की टांगे तोड़ के आता हूँ। अब तेरी साली की टांगे तोड़ के आता हूँ। अब तेरी सारी शान मेरी। सारी शान मेरी। Let's go। जाने के बाद 5 घंटे बीत जाने के बाद, अच्छा वो प्याज का वो उतर ही नहीं रहा छिलका। ओके ओके ओके, प्याज ही सड़ गया यार। भाई ये शान मिल गया। बॉस मैंने माँ के पैरों के साथ उनकी कब्र पे तोड़ दी, दिल बहुत आया है, शान काफी है ना। इमोशनल मूवी थी। इसमें क्या इमोशनल लगा तुझे? ओए आखिरी वाला सीन नहीं देखा क्या तूने? कौन सा? ओए डायरेक्टेड बाय नरेंद्र बग्गी, रिटन बाय चूचा मूचा। अरे वाह, ये मूवी का आखिरी सीन कितना हॉट था। नरेंद्र बग्गी, आज तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। इंटरेस्टिंग। डायरेक्टेड बाय नरेंद्र बग्गी। ओह डायरेक्टेड बाय नरेंद्र बग्गी, रिटन बाय चूचा मूचा। ओह माय गॉड, रिटन बाय चूचा मूचा। को स्टार नहीं, तुम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गुलाबी गैंडुल को भूल रही हो। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या क्वेश्चन पूछा है? मैं ना इतने बड़े सब्जी मार्केट में ये बैग लेके शार्क टैंक करने आया हूँ। जो तेरे कोई नहीं, सच में शार्क टैंक कर रहा हूँ। हेलो शार्क्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ हर भिखारी की दोस्त बोरी, और साथ में लालू भी आया है। ये भी आपकी कंपनी में शार्क? तुम चुप रहो, लालू से पूछ रहा हूँ। सॉरी शार्क, बोलो लालू। लालू क्या बोल रहा है? अरे हाँ शार्क सॉरी, आपको समझ नहीं आया होगा लालू ने क्या बोला। लालू बोल रहा है भाऊ भाऊ। अच्छा ये बात तो बिल्कुल सही कही मिस्टर लालू आपने। शार्क्स आप इस बोरी पर बैठ सकते हो, ठंड में इसे पहन सकते हो, इसमें सुसु कर लो, ये सब गायब कर देती है, और टाइम पास में इसे चबा भी सकते हो। अरे अरे उसमें आपने अभी सुसु किया है? पता है शार्क्स, इसलिए तो की है। ओ फ्लेवर प्रोडक्ट। तो शार्क्स मैं अपनी आधी बोरी के बदले आपसे मांगता हूँ 10 ग्राम आटा और 1
धनिया। नहीं ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा। देखो यार प्रोडक्ट काफी अच्छा है, फ्लेवर भी काफी बढ़िया है, लेकिन देखिए मेरा फाइनल ऑफर एक धनिया है। शायद मुझे अपने पार्टनर से डिस्कस करना है। अरे लेकिन इंटेंस मोमेंट भाई। सही बात है, क्या डिस्कस किया फिर आपने? कुछ भी नहीं सास, लालू तो बस मेरा कान चाट रहा था। डील डन। हो गया तेरा? ब्रो मेरे को लगा था कि वो सब्जी वाला और वो कुत्ता भाई खतरनाक वाले डील मारेंगे, घुसर पुसर करने को कान कतर भाई, एकदम से खतरनाक वाले नंबर्स बाहर आएंगे, लेकिन आखिर में कुछ हुआ ही नहीं। कैसे फल है, थोड़े फ्रेश दिखाओ ना। जी बहन जी, बड़ा छोड़ू, फ्रेश दिखाना मैडम को। ठीक है फ्रेश फ्रेश फ्रेश। आ करिए लीजिए। अरे थोड़ा सा बचा है, देखिए ये मम्मी का निवाला, ये मेरा, चलिए मम्मी का निवाला है। अरे कितने क्यूट है ये। एक मेरा निवाला भी खिलाइए ना। अच्छा चलिए ये निवाला भाभी। पूरा यार उसने तो हाँ ये ठीक है, ये नहीं, ये भी नहीं। मम्मी आपको पता कैसे चलता है कि अच्छा है कि बेकार? यही मैं यही बोलने वाला था कि जब मम्मी लोग सब्जी लेने जाती है तो उनको कैसे पता लगता है कि जो ठेले के ऊपर सब्जी पड़ी है वो फ्रेश है या 5 दिन पुरानी है? मम्मी आपको पता कैसे चलता है कि अच्छा है कि बेकार? बेटा थोड़ा ना इसे पकड़ के फील करना पड़ता है। फील करना पड़ता है, लेट्स गो। फील करना पड़ता है। ओ बेटा बस ऐसे उंगली गड़ाने से पता चल जाता है, छाती पे मलना बंद कर उसे। भैया मुझे वो स्टिकर वाला वॉचरमैन अनपैक कर देना, आपको पता है स्टिकर वाले फ्रूट्स ना सबसे फ्रेश होते हैं। स्टिकर तू बहुत चालू है यार। खैर मेरा तो स्टिकर वाला है, ये इतना भारी तो नहीं था। खैर जो भी है पहले नहा के आ जाती हूँ। जब तक वो नहा के आ रही है कुछ खा लेता हूँ। अबे बुड्ढे मरवाए तो कुछ और खा ले। ये तो अबे क्या कर रहा है, ये भी इंसान है, ये खा भी देता हूँ। अरे इसने मेरी बुन खा ली। क्या है बुड्ढे, उधर जाना आ दिक्कत है, सबको फंसाएंगे। अरे नहीं लगता मेरे किसी को उड़ा दिया, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। सबको फंसाएगा क्या? अरे ये तो बस एक तरबूज है। मैं भी ना भाई। अरे नहीं वो तो कोई इंसान है। अरे नहीं नहीं तरबूज है, तरबूज है। अरे नहीं इंसान है। अरे नहीं नहीं तरबूज है, तरबूज है। ब्रो कसम से बता रहा हूँ, मेरी मम्मी को हमेशा लगता है कि जिस चीज के ऊपर पर्ची या टिकट या कोई टोकन लगा हुआ ना वो फ्रेश है, वो बाहर का माल है, वो अमेरिका से आया हुआ है। हालांकि बठिंडा में उगा कर रखा है उन लोगों को और चंडीगढ़ में बेच रहे हैं, लेकिन नहीं वो आया अमेरिका से है। ले जाओ एक पे एक फ्री ऑफर। अरे वाह ये डील तो मैं लेके रहूंगी। बेटा सुन और ध्यान से सुनना, 4:30 बजे से पहले तुम इस मंगलवार बाजार से बाहर निकल जाना, मैं तुम्हें भारी मिलूंगी। क्यों? मैंने बोला ना 4:30 मतलब 4:30 डील टाइम है बेटे, डील टाइम। ठंडा नींबू पाने वाले या चुपती गर्मी में मिले ठंडक का एहसास, आजा प्यारे बुझा ले अपनी प्यास। क्या बकवास जगह यार ये मंगलवार बाजार। और वो देख डॉली भैया फेमस चाय वाले। अरे डॉली भाई एक चाय लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अभी लो डॉली चाय वाला लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। चाट रहा है ये चाय को, डेली देखते हैं। डॉली भाई प्लीज। डॉली भाई बहुत लेट हो गया, नौकरी का सवाल है। बस करो डॉली भाई, आपसे 5 की चाय मांगी थी, 500 का मुजरा दिखा रहे हो, सुबह से शाम कर दिया। अबे ओ डॉली का मेन धंधा ही मुजरा है, चाय तो डॉली वैसे ही पिला देता है। लेकिन डॉली नीचे झुक और ले मुंह में डॉली की चाय। डॉली भाई गरम है। ये कहाँ पे आए हुए यार अपन, कहीं भी लोगों ने दुकानें लगा रखी है, ये आदमी तो सांड पे बैठा हुआ है। और ये सब्जी मंडियों की सड़क इतनी गीली क्यों होती है पापे? ओए यहाँ पे आके देख, क्या पानी बह रहा है बस। अब उधर देख, सारे बाजार का पानी मिलके जा किधर रहा है? चल पता लगाते हैं, आजा मेरे। लेट्स गो पापे, पता लगाते हैं कि आखिरकार ये सारा पानी जाता किधर है यार। महान गटर के अंदर पानी जाएगा, गारंटी बता रहा हूँ। ये कहाँ पर आ चुके हैं यार, ये तो इतनी दूर पानी जाता ये। फाइनली अब हमें पता चलेगा कि ये सारा गंदा पानी जा किधर रहा है। ओ बाय द वे हमें यहाँ आने में बस 3 मिनट ही लगे हैं। तुम्हें मोंटाज देख के लग रहा होगा हमें यहाँ आने में साल लग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या मंगलवार बाजार का मौसम बड़ा तेज चेंज होता है, और ये पापे की तो हर 15 मिनट में दाढ़ी बढ़ जाती है। फुल मून के दिन तो साला भेड़िया ही बन जाता है। अरे तो फुल मून के दिन भेड़िया भी तो पापे बन जाता है। अरे नहीं आज तो फुल मून है। हाँ ठीक है, बस अब हमें फाइनली पता चलेगा कि ये सारा गंदा पानी जा किधर रहा है। किधर जा रहा है पानी भैया? एक टिकी खिलाओ ना प्लीज, एक टिकी।
पापे तूने देखा पापे? और ये तो अपने चंद्र जय बुल्की वाले भैया खट्टी मीठी लगाओ खट्टी मीठी भैया भैया एक मीठी पापड़ी खिलाओ ना। ओए चंदू बेबी को जरा मीठी पापड़ी खिला बेटा चल। और बेटा सुन पैसे तेरे भाई के खाते में लिख लियो ठीक है? किसमें लिखेगा? खाते में। चलो बेबी खा के पैसे लिखवा रहा भाई। बॉस नाराज हो जाएगा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरे चंदू दादा सॉरी यार आज थोड़ा लेट हो गया, बर्तन धो दूं पहले? भैया एक और मीठी पापड़ी। ओ हेलो, क्या मीठी पापड़ी? एक ही मिलती है। पैसे दे दिया आपने? मेरे बीएफ के खाते में। ओ भैया कोई खाता वाता नहीं, नगद दो नगद। और वो तुम्हारा बीएफ, वो तो यहाँ पे दूसरी लड़कियों के साथ भी आता है, काट रहा है तुम्हारा। चलो चंदू दादा मैंने बर्तन धो दिया है ना, मैं चलता हूँ। क्या हो क्या रहा है ये? व्हाट? अरे सॉरी बेबी आज काम में बहुत बिजी था। ओए चंदू बेबी को अच्छे से खिलाया? मुझे यहाँ पे जो बर्तन धोता है उसने तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अरे वो गीदड़ सी शक्ल का जिसके पास केटीएम है, देखो बेबी उसकी बातों पे यकीन मत करो, वो जलता है मुझसे। रुको अभी साले को कॉल करता हूँ। हेलो क्या है बे? तुझे बहुत ज्यादा समझ में आ रही है ना? हाँ तो बेटे कभी मिल मत जाइयो। अबे जाना मैं तो यही हूँ सामने देख। साले अबे तू ले मेरी गर्लफ्रेंड को फटकाएगा? हाँ फटकाऊंगा, क्या कर लेगा तुझे मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। सॉरी यार चंदू मेरे खाते में लिख लियो। कोई खाते में मत लिखना चंदू दादा, पैसे लो इससे। अरे नहीं 4:30 बजने में बस 5 मिनट कम है, मुझे निकलना अभी होगा। इंटेंस मोमेंट गाइस, मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। ये आसमान को क्या हो रहा है? 4:30 बजे की डील आने वाली है भाई। क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना 4:30 बजे के पहले बाहर निकल जाना, चलो। अरे बहन जी इतने भाई मेरे को लग रहा है कि सारी मम्मियां 4:30 बजे वहाँ पर ठेले के ऊपर चली जाएंगी और एकदम से भाई भाई सबको डील ही चाहिए यहाँ पे, और आखिर में डील तो जांबाज मम्मी ही लेके जाएगी। लेट्स गो देखते हैं। बीबी क्या जल्दी है, हम सबकी दुकानों पे सेल लगी है, सिर्फ 1 रुपए में पूरी दुकान ले जाएगी। हटो सामने से, ले जाइए। मम्मी है क्या हो रहा है? मैंने जब कहा था तुमसे कि निकल जाना। बहन जी सिर्फ आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुमसे कहा था इधर आओ। पापे नहीं, अब कहा भागेगा? 4:30 हो गए मतलब कि मंडी बंद। ओ पापा भी बच गया यार, पापा वाज अबाउट टू डाई। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार बाजार एक श्रापित जगह है, अगर कोई भी वहाँ 4:30 बजे के बाद रुकता है तो वहाँ के सारे लोग उसे वहीं रोकने की कोशिश करते हैं, और अगर एक बार तुम वहाँ गलती से रुक गए। ओके भाई खतरनाक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर भी एक्चुअली बाजार लगते हैं, सैटरडे लगते हैं एंड संडे लगते हैं। और मैं बता रहा हूँ लिजिट जब बाजार बंद करने का टाइम होता है ना, लिटरली पूरा बाजार आप 1 रुपए में ले सकते हो। पूरे ट्रक भरे भरे तरबूज के 50-50 पैसे बिकते हैं यहाँ पे। तो ये एक्चुअली सच बोल रहे हैं भैया जी यहाँ पे। तो बेसिकली जो इंडिया का माहौल है वो यहाँ पर भी है। पर इस वीडियो एकदम से बहुत ज्यादा जबरदस्त थी, मेरे को देखने में बहुत मजा आया, और मेरे को पूरा पता कि आप लोगों ने पूरी वीडियो पूरा फुल एंजॉय किया होगा। और जाने से पहले 4:30 बजे के बाद कभी मंगलवार को बाजार मत जाना।